शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से वरुण तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, उसे जो चाहिए थी वो उसे मिल गई। श्रद्धा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो तुम अब थोड़ी परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा पूछ लूं। माफ कर दो मुझे, बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो गलती मैं मानता हूं कि मेरी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ। फिर मैं बताना चाहता था पर मैं डर गया। तुम तो समझ सकती हो ना मेरा इंटेंशन। क्या बताना चाहता वरुण? बोल, ऐसा क्या जो श्रद्धा समझ सकती और मैं नहीं? और ऐसे भी इतनी रात को तू यहां क्या कर रहा? वो जो गुंडा है ना, वो भाग रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। घर पे सब लोग परेशान थे ना, तो मैंने श्रद्धा का पीछा किया और पीछा करते करते यहाँ पहुंच गया। और अच्छा हुआ कि पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। श्रद्धा, तुम फिक्र मत करो, वो गुंडा आज भाग गया है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसे पकड़ना नहीं। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई और घर पे सब लोग परेशान होंगे ना। श्रद्धा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। अरे, मुहूर्त बीता जा रहा है, आरती शुरू करें। अभी आरती तो शुरू हम कर देंगे, लेकिन इतना चमत्कारी दिन दिखाने के बाद अभय और श्रद्धा कहाँ गायब है? और आपका लाडला बेटा वरुण, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ये तीनों मिलके अब कौन सी बात सुनाने वाले हैं। लीजिए, आ गए दोनों। अभय, ये क्या हो गया तुझे? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? और तुम लोगों ने अपना हाल क्या बना लिया? कहाँ थे तुम लोग? अरे मम्मी, 2 सेकंड नहीं लगाते हो टेंशन पकड़ने में। वो सबके लिए गिफ्ट लेने गया था और बाइक स्लिप हो गई, तो जरा सी चोट लगी है, मैं ठीक हूं। चलो पूजा करने चलते हैं। हाँ भाई, इतने सालों में पहली बार दोनों परिवार मिलके लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है,
आप पूजा करते हैं। हाँ, आरती शुरू करते हैं। ऋतु, थाली देना आरती की। जी भाभी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मेरी गलती के बारे में यहां पर किसी को भी मत बताना। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। जिससे आप गलती कह रहे हैं ना, वो एक गुनाह है और उस गुनाह को छुपाकर मैं एक और गुनाह नहीं करना चाहती हूं। पूजा खत्म होने दीजिए, मैं सबको सच सच बता दूंगी। उस रात का अंत आज ही होगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। श्रद्धा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज मेरी गलती के बारे में किसी को मत बताना। मैं सही टाइम आने पे ना सब कुछ सुलझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रुकिए, मुझे आप सबको एक बात बतानी है। हाँ बेटा, क्या बात करनी है बताओ ना। वो रात जब हम सब की किस्मत की लकीरें पलट गई, उस रात का सच बताना है मुझे आप सबको। श्रद्धा प्लीज, किसी को कुछ मत बोलो प्लीज। श्रद्धा, तुम्हें जो बोलना बेझिझक बोलो। वो रात जब अचानक आपकी और मेरी किस्मत एक साथ बांध दी गई, उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके जिम्मेदार वरुण जी है। श्रद्धा, ये आप क्या कह रही हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा, वरुण ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वरुण जी को कीर्ति पसंद थी। और वो उसी से शादी करना चाहते थे। श्रद्धा बेटी, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची ये हमें नहीं पता, लेकिन और नहीं तो क्या। और तुम क्या नायक की देवी बनकर ऐसे खड़ी और इल्जाम लगा रही हो हमारे वरुण पर बिना सबूत के? वो भी क्योंकि बुआ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से वरुण जी को उस गुंडे को पैसे देते हुए देखा है जिसने उस रात मेरे साथ। वरुण भैया, आपने ये सब किया, पर क्यों? एक मिनट, तुम गुंडों के पास कब गई थी जो ऐसे मुंह फाड़ के बोल रही हो? आरती से पहले जब मैं और अभय उस गुंडे को ढूंढने निकले थे तो वो वरुण जी ही थे जिन्होंने हमें वहां उस अड्डे पर बंद कर दिया था ताकि वो उस गुंडे को वहां से भागने का मौका दे सके। Oh,
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जो श्रद्धा कह रही है क्या वो सच है? जब इंसान हालत होता है ना, तब उसकी बोलती ऐसे बंद हो जाती है। वरुण जी, आपने कैसे और क्यों किया आपने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़? किसने हक दिया आपको हमारी जिंदगी बर्बाद करने का? आज तक आप पे ना हमें गर्व था, लेकिन आज आज आप ही की वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया है। रुकिए दाऊ जी, इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। क्योंकि इसकी इस गिरी हुई हरकत से जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अबे, मेरे भाई एक मेरी बात सुन। जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुका हूँ। वो जो तुझे करना था ना वो तू कर चुका है, अब देख मैं क्या करता हूँ। अबे मेरे भाई मेरी बात सुन। देख मैं मानता हूँ कि मेरी गलती, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर। वरुण तू माफी के लायक ही नहीं बचा है अब। मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हटो। इसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। जब तक मैं इसको उसकी सजा नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। ये सब मेरे रास्ते से हटो। क्या हो गया? तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मैं अभी आती हूँ। माफ कर दो श्रद्धा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। विश्वास करो मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे
मुझे एहसास नहीं था कि मेरी वजह से किसी को इतनी तकलीफ पहुंच सकती। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में ये सब कुछ जो आपने किया है उसकी सफाई में आप मुझसे ये कह रहे कि आपसे ये गलती अनजाने में हो गई। एहसास नहीं है आपको कि आपकी इस हरकत की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ मेरी ही नहीं, आपके भाई की, मेरे खुद की बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसके बाद भी आप इस हद तक गिर गए कि आपने मुझे धमकी दी, मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के आगे गवाही ना दे दूं। तो मैं क्या करता शत, तुम बताओ। मैं बहुत डर गया था क्योंकि अगर इस घर के लोगों को सबको सच पता चल गया ना तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में। मेरी बहन आपके साथ कैसे सुरक्षित रह सकती है? श्रद्धा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं कोई पेशेवर अपराधी नहीं हूं और तुम जानती हो कि मैं कीर्ति से कितनी शिद्दत से प्यार करता हूं। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें उस मंडप तक पहुंचने से रोकने का था। मैं नहीं जानता था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाए। आपके ना सोचने के कारण ही जरा सा भी अंदाजा है आपको कि वहां पर क्या कुछ हो गया। वहां गोली चल गई, वो ड्राइवर जिसका इन सबसे लेना देना भी नहीं था वो जख्मी हो गया, और मैं शायद अब जिंदगी भर के लिए एक डर में जीने लगी हूं। अब है कि तो जिंदगी बर्बाद हो गई मुझसे शादी करके। आपकी एक गलती की वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई वरुण जी। तो ठीक, अब तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे अपनी गलती का पश्चाताप करूं। तुम जो बोलोगी ना वो करूंगा श्रद्धा। पश्चाताप क्या कर लेंगे आप पश्चाताप करके? आपके पश्चाताप करने से क्या मेरी जिंदगी जो पहले जैसी थी वो वैसी हो जाएगी? वक्त का कांटा अगर एक बार आगे बढ़ जाता है ना तो उसे दोबारा पीछे नहीं किया जा सकता। श्रद्धा, मैं बस तुमसे विनती कर सकता हूं, प्लीज ये सच अपने तक ही रखना। अगर इस घर के लोगों को इस सच के बारे में पता चल गया ना तो ये परिवार बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा श्रद्धा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस सच को छुपाने की विनती कर रहा श्रद्धा से? क्या छुपा रहे मुझसे? हाँ,
वो जो गुंडा है ना, वो एक्चुअली श्रद्धा की वजह से ही भाग गया था। श्रद्धा तुमने, पर क्यों? गुंडे को अपने परिवार की चिंता थी कि अगर उसे जेल हो गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा, और श्रद्धा को उन पे तरस आ गई, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया और जाने दिया। सचमुच श्रद्धा, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अरे यार, हाथ में आए हुए गुंडे को तुमने छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में दया भावना जाग गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जब तक मैं उसे सजा नहीं दे देता ना, चैन से नहीं बैठूंगा। फिर से झूठ। आपने एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे आप? श्रद्धा, मैं जानते हैं वरुण जी, सच की खासियत क्या होती है, कि वो किसी भी रूप में सबके सामने आ ही जाता है। आपको क्या लगता है ये बात आज मुझ तक पहुंची है, घर वालों को ये सच्चाई नहीं पता चलेगी? एक ना एक दिन सबके सामने ये सच आ ही जाएगा, फिर चाहे वो सच कहीं आप ही के मुंह से ना निकल जाए। श्रद्धा, लेकिन तुम तो ये सच किसी को नहीं बताओगी ना? मैं चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती, वरना मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। श्रद्धा ने ये बात किसी को बता दी तो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? चल। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, अब है वो समझ नहीं आ रहा है कि ये डिजाइन्स कल क्लाइंट को पसंद आएंगे कि नहीं, उसी का डर लग रहा है कल के बारे में सोचकर। अब दुनिया के सामने ऐसे महान बनोगी तो ऐसा ही होगा ना? अकल का दिया बुझा के उस गुंडे को माफ कर दिया तुमने, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस बताओ? अभय, मेरा दिल आपको सच बताना चाहता है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं, पर बताऊं कैसे मुझे भी नहीं पता।
बच गए? आज तो प्रेजेंटेशन है ऑफिस में। अरे मेरे डिजाइन्स कहाँ चले गए? रात तक तो यही थे। अभय आपने मेरे डिजाइन्स कहीं? अभय सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं इन्हें कल रात के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। कीर्ति इतने आराम से यहाँ बैठी है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चला। अभय यहाँ तो नहीं है, तो गए कहाँ? तो एक बार फिर से बता दीजिए। कीर्ति ये कौन सा टाइम है टीवी देखने का? तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? और घर पे कोई दिख नहीं रहा है, सब घर वाले कहाँ गए? उफ दीदू, आज हमारे कॉलेज की छुट्टी है, घर वाले दिल्ली गए हैं, मम्मी जी का पांव का इलाज देख रहे हैं, तो वो दिन के बाद आएंगे। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, तेरी बदतमीजी के अलावा मुझे ये जानना है कि इतना सारा खाना तू किसके लिए मंगवा कर बैठी है? दीदू आपको देख कर क्या लग रहा है? हम खा रहे हैं, हमारे लिए ही होगा ना। कब तक तेरी इन हरकतों को देखकर लोग यही सोचते रहेंगे कि तू बच्ची है, सीख जाएगी, और तेरी इन हरकतों को नजरअंदाज करते रहेंगे? एक बात समझ ले कीर्ति, हर काम का नतीजा चाहे अच्छा हो या बुरा हो एक दिन बाहर आ ही जाता है। वक्त आ गया है कि तू सच मान ले। कीर्ति, श्रद्धा ने क्या बोला तुम्हें? स्वीटू, श्रद्धा ने तुम्हें जो कुछ भी बताया ना उससे बिल्कुल जी। स्वीटू मेरी बात सुनो। कीर्ति, स्वीटू मेरी बात तो सुनो। स्वीटू प्लीज मेरी बात सुनो। कीर्ति प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। जाइए आप यहाँ से, हमें ना आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, कोई बात नहीं करनी आपसे। हम तो सोच भी नहीं सकते वरुण जी कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे सफाई देने का एक मौका तो दो। दीदी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ तुम, बस इसलिए मैंने उसे प्यार होता ना तो आप कुछ कहते? जब दीदू हमें इतनी खरी खोटी सुना रही थी, सुबह से चिल्ला रही है हमारे ऊपर कि हमने अकेले के लिए इतना कुछ क्यों मंगा लिया। मुझे ना बस मौका चाहिए हम पे चिल्लाने का, और जब आप चुप रहते हैं ना तो खून खौलता है हमारा। आपका खून नहीं जलता जब आपकी बीवी को कोई इतने ताने मारता है? हा? ऐसा नहीं है स्वीटू, मैं श्रद्धा से बात करूंगा, तो फिक्र मत करो। बात कर लीजिए आप उनसे, हम जा रहे हैं। ये डरना ये जान ले लेगा। श्रद्धा से बात करनी होगी, अभी करनी होगी। पता नहीं अभय कहाँ रह गए, आज का दिन भगवान जाने कैसा जाएगा। ऑफिस में जो डिजाइन देने थे वो भी नहीं दे पाई, अब अपने बॉस को मैं क्या जवाब दूंगी? ऑफिस से कॉल। हेलो सर। यस सर।
क्या? जी सर, थैंक यू। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? तुम्हारे ये डिजाइन्स थे ना, आज ऑफिस लेकर जाने थे ना, तो तुम्हारी जगह मैं चला गया लेकर। मैं क्या करता, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी और तुम्हारे ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, तुम्हें तो सुनाई भी नहीं दिया, इसलिए मैं लेकर चला गया। जानती हूँ वो ऑफिस से कॉल आया था। ये तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? मैंने गड़बड़ कर दी ना? हाँ, कुछ तो हुआ है ऑफिस में। कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन देने का फैसला किया है। सच्ची? तुम सच बोल रही हो ना? अरे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। अब तो हम खूब पार्टी करेंगे। वैसे ये सब कुछ तो आपकी की वजह से हो पाया ना। आपने वक्त पर मेरे ऑफिस में वो डिजाइन पहुंचाए और उनको ऐसे मनाया कि मेरे बॉस इतने खुश हुए कि क्लाइंट्स ने आगे के भी काम के लिए उनको हाँ कर दिया है। आपकी बहुत तारीफ की उन्होंने। थैंक यू सो मच। अरे मैंने तो वही कहा जो तुमने लिखा था, ये सब तुम्हारी ही मेहनत है। और वैसे भी सफलता चाहे तुम्हें आज मिली हो, पर इसकी हकदार तुम ही हो। हमें श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आई है। अब बेटा आप बताइए। I'm sorry श्रद्धा, actually मेरा मतलब है कि शायद जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं था। पर क्या आज अपने भाई से गले भी नहीं लगेगा? मैं जानता हूँ कि उस रात को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए आसान नहीं था, पर ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक वो सब तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया होगा। उस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया था, वो थी हमारी पहली गलती। और अगर आज तूने हमारे आदमी की पहचान कर दी, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे छोरी। जानते हैं अभय, ये ना इंसानी फितरत है कि हम लोगों को उनका चेहरा देखकर उनके बारे में राय बना लेते हैं और उसके साथ रह के उसे समझने में ना बहुत फर्क होता है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। हमें इंसानों का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि इसका दिल कितना साफ होगा, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। पर वहीं पर हम गलत साबित हो जाते हैं। पर आप जानते हैं अभी आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि आपको किसी की चिंता नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। पर सच कहूं आप सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। आप बहुत अच्छे हैं अभय। थैंक यू सो मच। तारीफों से ना पेट नहीं भरता है, बड़ी वाली पार्टी देनी पड़ेगी बॉस मैडम जी। और सुबह से ना मेरे पेट में हाथ ही दौड़ रहे हैं, प्लीज कुछ खिला दो ना। अरे तो मैं आपके लिए बस 5 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ, आप रुकिए। अच्छा, अरे मैं बस 5 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई और चाय भी साथ में। तुम्हारे हाथ से बना एक निवारा नहीं खाऊंगा मैं। क्या क्या कह रहे हैं? श्रद्धा तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बोलो क्यों बोला मुझसे झूठ? ऊपर तो मेरे बहुत अच्छा बनती है और पीठ पीछे ये सब किया। बोलो श्रद्धा इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ अरे मुझे लगा था शायद हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। आपको क्या लगता है
बात आज मुझ तक पहुंची है, घर वालों को ये सच्चाई नहीं पता चलेगी? एक न एक दिन सबके सामने ये सच आ ही जाएगा। अबे वरुण हमारे बीच में मत बोल। मुझे नहीं पता था कि ये सब। पता तुम्हें सब कुछ था, और अब मुझे भी पता चल गया है कि ये सब कुछ तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। ये 10 लाख रुपए अभी मेरे अकाउंट में आए हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना चेक रोकने के लिए, क्यों नहीं रोका? अभी 2 मिनट पहले तुम मुझ पे विश्वास जता रही थी, लेकिन वो तो तुम्हारा सिर्फ एक दिखावा था। सही कहा था तुमने, हम जिसके बारे में जैसा सोचे जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही निकले। अबे बस, बहुत बोल लिया तूने। ऐसे कैसे बोल सकता है तू श्रद्धा से? इसमें गलती उसकी नहीं है। वरुण तू जी, ये मेरे और अभय के आपस के बीच की बात, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हम आपस में से सुलझा लेंगे। मुझे माफ करना श्रद्धा, अनजाने में मेरी एक भूल ने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसमें इज्जत ही नहीं है। इस घर का छोड़ो, पूरी दुनिया का दुख दर्द महसूस होता है तुम्हें, पर जो तुम्हारे सामने बैठा उसका दुख दर्द तुम्हें नहीं दिखता है ना? तुम्हें मजा आता ना मुझे दुख देने में? मैंने कोशिश की थी कि वो चेक नहीं, कोशिश की होती तो चेक रुक जाता। इतना बड़ा गधा भी नहीं हूँ मैं। अरे सच तो ये है कि पूरी दुनिया की तरह तुम भी मुझे एक निकम्मा समझती हो। तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ? यही लगता है ना तुम्हें? बताओ, यही सोचती ना मेरे बारे में? यही लगता है ना? बोलो। वरुण जी देखिए ना, हमने कमरा पूरा साफ कर दिया, आज तुम थके नहीं टूट गए, इतना काम किया हमने। वरुण जी इतने दिनों में इतना कुछ हो रहा है, हम सब कुछ कैसे संभालेंगे? आपको तो पता है ना, हमने कभी कोई काम नहीं किया। मम्मी समझाती थी, सिखाती भी थी, पर हमें इन घरेलू काम में ना कभी मन ही नहीं लगा। हमारे तो हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारा चेहरा भी लटक जाता है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बीवी का चेहरा खराब हो जाए? हम कैसे करेंगे सब कुछ? पता तुम्हें सब कुछ था, और अब मुझे भी पता चल गया है कि ये सब कुछ तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। सब बर्बाद कर दिया आपने वरुण जी। मैंने ही बर्बाद किया सबकी जिंदगी। वरुण जी क्या कर रहे हैं आप? यामा, हम तब से बकबक किए जा रहे हैं, और पता नहीं आपका ध्यान किधर है, तभी आपने इसे अपना जूता साफ कर लिया। वरुण जी हमारी फेवरेट कुर्ती थी ये, वरुण जी इसे अपने जूते की धूल चटाकर खराब कर दिया आपने। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, हमें ना सब खबर है। क्या क्या खबर है तुम्हें? यही कि आप सोच रहे हैं आप अपने ऑफिस का काम कैसे संभालेंगे। आपको ना बस अपने काम की चिंता है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है आपको। हम पे ध्यान रहता तो आप समझ पाते, पर नहीं,
बस कहते प्यार है प्यार है प्यार है, कद्दू प्यार है। मेरा कुर्ता खराब कर दिया। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? हाँ स्वीटू, मेरी जान, मैं तुम्हारे प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। झूठ। तो बताइए धर्मपत्नी जी, आपको क्या चाहिए? आज आप जो भी मांगेगी ना, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। पक्का वाला पक्का? एकदम वाला पक्का। मैं आपको कभी नीचा दिखाने का सोच भी नहीं सकती। आपको कोई गलत फहमी हुई है? अरे गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तुम ये झूठ बोल रही हो। श्रद्धा, क्या मजा आता है तुम्हें बार बार अभय को नीचा दिखाने में? माना कि तुम अभय की कमाओ बीवी हो, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार उसके मुंह पे तमाचा मारोगी तुम। ये क्या चिक-चिक चल रही है यहाँ भाई? अरे बाहर तक शोर आ रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? आंटी जी, आपकी ये प्यारी कमाऊ बहू रानी ना आपके ही बेटे को नीचा दिखा रही है। बैंक में चेक डाला था और वो पैसे अभय के खाते में आ गए। तो मैडम सोनिया, तुम ना बाहर वाली हो, तो यहाँ पर कौन किसके खाते में क्या डाल रहा है उसे तुम्हें मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टांग अड़ाने की? और हमारी बहू के बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो? हम तुमको बोल दे रहे हैं, तुम ना बीच में मत घुसो। पर आंटी जी, मैं तो बस क्या हो बेटा? पापा जी, मैं सच कह रही हूं, मैंने वो चेक नहीं जमा किया है। कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारे झूठ को सच बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। मैं अभी बैंक जाके सारे पैसे निकलवा के इसके पापा को देकर ही आऊंगा। अबे श्रद्धा झूठ नहीं बोल रही है, वो चेक दरअसल हमने ही बैंक में डाला था। अरे ऐसे बहुत चक्का हो के हमको काहे देख रहे हो? हमने कुछ गलत किया क्या? अरे फालतू चेक को छोड़ देते। प्यार से इसके पापा ने दिया था। मम्मी कुछ तो सोचा था ये सब करने से पहले, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी बैंक चली गई। तनुजा जी, क्या किया आपने? हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा है और उसकी माँ उसे बैसाखी थमारी। आप चाहती क्या है कि हमारा बेटा जिंदगी भर लड़खड़ाए? अरे जब हम पैसे इसे दे रहे थे तब ये लड़खड़ाया, नहीं ना? अरे श्रद्धा का परिवार अब इसका भी परिवार है, और क्या गलत है अगर वो पैसों से मदद करना चाह रहे हैं तो? अरे मम्मी, उससे मदद नहीं उसे एहसान कहते हैं, जो उन बेचारों ने तकलीफ सहकर मेरे लिए किया है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? अबे ठीक कह रहा है। और श्रद्धा बेटा, तुम्हें तो रुकना चाहिए था। पापा जी, मुझे सचमुच नहीं पता था कि ये। तुम्हें ये तो पता था ना कि मैं वो चेक नहीं लूंगा, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी, फिर भी तुमने वो चेक वापिस नहीं किया। मैं तुम्हारे एक भी पैसे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पड़ा रहे मेरे अकाउंट में, मेरी बला से सड़ जाए। हे भगवान, अब क्या होगा?
अभय, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या श्रद्धा? वैसे ही अंदर मैं एक हारा हुआ बेटा महसूस करता हूँ, और जब से मेरे अकाउंट में वो पैसे आए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा झूठा जमीर मुझ पे हंस रहा है। अबे, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे मेरे अकेलेपन को जरूर समझोगे। पर सच सच बताओ, तुमने वो चेक अपने पापा को वापस क्यों नहीं किया? देखिए अबे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना जिस पे हमारा जोर नहीं होता है, और मैं कभी भी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लूंगी जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पता है, मुझ में और पापा की दुकान पे पड़े उस बासी सामान में ना कुछ फर्क नहीं, वो भी बस भीड़ में पड़ा ही है। जब तुम मेरी तारीफ कर रही थी, मुझे तुम्हारी आंखों में वरुण जैसे आदमी की उम्मीद दिख रही थी। वो जिम्मेदार है, उसे पता उसे जिंदगी में क्या करना है। मैं वरुण नहीं हूं, मैं अभय हूं, एक निकम्मा नालायक अभय। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, क्योंकि जहां मेरी इज्जत नहीं होती ना, मेरा दम घुटता है वहां। अरे आप आ गए, तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सचमुच मैं दंग रह गया हूँ घर को इतना साल देखकर। वैसे ये कमाल तुम्हारी सुबह वाली फरमाइश का है क्या? वरुण जी, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे? वैसे हमारा अंदाजा सही निकला ना, इसलिए हम कहते हैं, पर आप हमारी बात ही नहीं मानते। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। अरे अगर मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर क्या ही खेला है ना? और अगर उसने देख लिया तो? ओहो, आपकी शादी ना परेशानी के साथ होनी चाहिए। देखो शक्ल पे फिर से टेंशन आ गई। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं स्वीटू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो हमने इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना मम्मी को बताए, कहीं वो बुरा ना मान जाए। क्यों बुरा मानेंगी, देखिए ना सारे काम तो अच्छे से हो रहे हैं। बस मैं ये नहीं चाहता कि इस नए मेहमान की वजह से घर में कोई नया तमाशा हो जाए। वरुण जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जो नया मेहमान है ना बहुत समझदार है, और जब सारे लोग देखेंगे कि उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है, तो ये मेहमान मेहमान नहीं परिवार का हिस्सा बन जाएगा। देखते कल क्या होता है। कल? ये लोग कल ही लौट रहे हैं? सुबह से हम काम में इतने बिजी थे ना, हमें पता ही नहीं चला ये लोग लौट भी रहे हैं, और वो भी कल। हाँ लेकिन तुम मम्मी का ध्यान रखना, घर लौटने की सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होनी चाहिए। वैसे चाय वाकई बहुत अच्छी बनी, तुमने बनाई है या? ऑफ कोर्स तुमने ही बनाई होगी, बहुत अच्छी है। एक दिन हम इस घर से बाहर क्या चले गए, सारे कायदे कानून पलटना शुरू हो गए। अरे ऋतु ये क्या भिन भिन आ रही है अपने आप। भाभी अब हम कुछ कहेंगे तो आप कहोगे कि ऋतु हमेशा कुछ बोलती रहती है। वो तो हम नहीं भी बोलेंगे तभी आप बोलेंगे। भाभी हम सफर से थके हारे आए, हमें कुछ खाना है पीना है आराम करना है, और वहाँ वो कीर्ति और वरुण
कब से हम लोग दरवाजे पे खड़े, वो लोग दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में जाके फंसर गए दोनों के दोनों। अच्छा, पर कल रात तो दोनों ही घर पे थे। हाँ, वो कीर्ति की तो आदत है दोपहर में उठने की, लगता है अब वरुण को भी वही आदत लग गई। हाँ हाँ भाभी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें भी यही लग रहा है। भाभी आपको पता है भूख के मारे ना हमारा 2.5 किलो वजन कम हो गया। देखिए हाय हाय। अरे रितु, आप कहाँ भाग गई? यहाँ धूप सेकते सेकते गला सूख गया है। अब मम्मी जी, मैं ताई जी को पानी देकर आती हूँ। अरे बेटा श्रद्धा, थोड़ा नाश्ता भी ले जाओ। जी श्रद्धा, तुम एक काम करो, तुम ना भाभी के लिए चाय नाश्ता ले जाओ, हम एक और बार कोशिश करके देख लेते हैं। इस बार ना अगर दरवाजा तोड़ना पड़े तो तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। जाइए जाइए। हाँ। भाभी हम कब भिजवा देंगे धोकर? हाँ हाँ। या कमिंग, वेट नाउ। भाभी दरवाजा खुल गया। अरे भाई, भिक्षा का द्वार मंदिर की तरफ होता है, वहां जाके मांगू ना, यहाँ कहाँ चले आई? यहाँ कछु नहीं मिलने वाला, समझी? टुकुर टुकुर ऐसे देख रही हो जैसे ई घर की मैडम जी हो। वैसे तुम्हें देख के तो कोई भी धोखा खा जाएगा। चलिए अब यहाँ से गेट आउट हो जाइए। गो गो देयर, भिक मांगो, गो गो गो। ये कौन है, क्या बदतमीजी कर रही हो हमारी भाभी के साथ? तमीज से बात करो वरना ये जो तुम्हारी चोटी है ना, वो पकड़ के तुम्हें ऐसा मारेंगे चेहरे का नक्शा बदल देंगे। वाह, आजकल तो फुल्लन फैमिली के साथ आ जाते चंदा मांगने। हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन मैडम जी ई डोर का ही खटखटाए, यहाँ सब खाली है। चलो फुटो यहाँ से आप, फुटो। ये क्या तमाशा हो रहा है? कौन है ये? सर जी जैसे दिखने वाले अंकल जी, हु आर यू? और यहाँ का थैले जा रहे हैं? अरे भिक मंगी, अब दबंगई पर उतर आई। गो गो बैक। भिख मांगी होगी तुम? तमीज से हमसे बात करो, अगर बदतमीजी की ना हमारे साथ तो ये जो गर्मा गर्म चाय है तुम पे गिरा देंगे। तमीज वाले काम भी तो करो, अंग्रेजी में उतना लोग से समझाए कि बाहर वाले आउट तक समझ में नहीं आया। अगर हिंदी में सुनाने पे आ गए ना तो कपड़े लूज हो जाएंगे, समझी? भाभी ये क्या बातें कर रही है? छी, बस खुद तो घर में डेरा जमाए बैठी हो और बदतमीजी कर रही हो। आप कौन मैडम जी? मैं खामखा। तुम कौन हो? हमारा इंटेरो देने के लिए ना वो अंग्रेजों की क्वीन को बुलवाई लो। मम्मी पापा बुआ, वो ये हमारे घर की नई ये सोनाली है, घर का काम करने के लिए। बिना भाभी से पूछे काम वाली बाई रख ली, और वो भी ऐसी? अरे ओ, जरा तमीज से काम वाली नहीं बोलते, हाउज हेल्प बोलते हैं, हाउज हेल्प। इतना भी नहीं पता क्या? गवार। हमें गवार कह रही हो? गवार तुम? जी हाउज हेल्प। आ गए आप लोग? वैसे आप लोग तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना। अच्छा ये बताइए कि सफर कैसा रहा? कीर्ति ये सब क्या है? तुम जरा ना चुप रहो, ये पंचायत हमें बिठाने दो। कीर्ति किसे काम पर रखा है जो हमारे घर में हमें आने से रोक रही है? ओह
हो, हमें क्या पता, मिस्टेक तो आप लोगों की है ना। जब देख रहे हैं डोर पे कोई न्यू लेडीज आई है तो टेल करो ना, कहाँ से आई है, कौन है। क्या टेल टेल, हाँ उल्टा चोर कोतवाल को जाते। अब क्या हम अपने घर में आए तो हमसे गलती हो गई? हाँ, अरे रे रे, गुस्से वाली आंटी जी। आंटी नहीं, हमारा नाम रितु है, रितु जी कहो हमें। हम ही कह रहे हैं कि स्टेट स्टेट बोलो ना, आप ही का हाउस है। वाय हेयर देयर, वाय हाय, ये क्या बोले जा रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाउ जहल, अगर आपकी इजाजत हो ना तो हम अपने घर में आ जाए। बुआ जी, ऐसा क्या हो गया कि आप इतना भड़क रही हैं? नो जी, ये आप हमसे क्यों पूछ रही? ये लेडी से पूछ लीजिए, बताइए। आज मॉर्निंग से ना लोग हमें टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं। हम आ तो बहुत बिचीटे हैं भैया, हम तो चले। ठीक करेंगे, देख रहे नाना जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा, अब चलिए अंदर चलिए। बैग्स ले लो। इसी बात का डर था, जल्दी से जाके मम्मी को मनाना पड़ेगा इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और बात और बिगड़ जाए। एक तमाशा खत्म नहीं होता है कि तुम्हारी बहन दूसरा तमाशा हाजिर कर देती है। ना खुद चैन से बैठ सकती है, ना दूसरों को चैन से बैठने देगी। अब चाय नाश्ता कौन करवाएगा? चलो हम ही लेके जाते हैं, दो। कीर्ति, क्या है ये सब? घूर क्यों रही है? खा जाएंगी क्या? कीर्ति, जब तुझे इस घर के कायदे नियम पता है तो फिर तूने बिना पूछे इस घर के लिए काम वाली क्यों रख ली? दीदू, हमारा भी घर है तो हमारा भी हक बनता है। तुझे कभी कुछ क्यों नहीं समझ में आता है कीर्ति? पर दीदू, उसमें समझने और समझाने वाला है क्या? घर के कामों के लिए अगर हमने किसी को रख लिया, कोई हाउस हेल्पर को रख लिया, तो उसमें कौन सा पाप हो गया? और वैसे भी दीदू, ये सारी बातें अगर हम लोग सोचने लगे तो ऐसे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। कीर्ति, प्रॉब्लम ये नहीं कि तूने इस घर में मदद के लिए किसी को रखा है, ये लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं, मैं जानती हूँ। अपने घर के साथ साथ दूसरों के भी घर का ख्याल रखते हैं, ये करना आसान नहीं होता है। लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये ताऊजी और ताईजी का घर है? तेरे इस घर में बहू बनने से पहले वो लोग इस घर को संभालते आ रहे हैं। अगर तुझे मदद के लिए कोई चाहिए ही था तो उनसे तमीज से बात करती, उन्हें मना लेती। ऐसे बिना सोचे समझे तूने अपना ये फैसला उनके ऊपर थोप कैसे दिया? वाह, जैसे इस घर में हमारी बहुत चलती है। मनवाना चाहेगी तो मनवाएगी ना, लेकिन तुझसे ये मेहनत भी नहीं होगी। देख कीर्ति, ऐसे तूने उनसे बिना पूछे उसे इस घर में बुला लिया, ये गलत है, मतलब गलत है। मैं जानता हूं कि गलती मेरी, लेकिन बहुत जरूरत थी इसलिए रखना पड़ा। कीर्ति अकेले इस पूरे घर का काम नहीं संभाल पा रही, बहुत थक गई, काम वाकई बहुत ज्यादा है। वाह, कलयुग के श्रवण कुमार, जब माँ कोल्हू के बैल की तरह काम किया करती थी तब तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया कि काम वाकई में बहुत ज्यादा होता है।
क्या हुआ? अपने बेटे से इतना गुस्सा हो कि मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? नैना जी, बेटा सफाई देना चाहता है, सुन तो लीजिए। मम्मी, मैं जानता हूं कि आपने इतने सालों तक इस घर को अकेले संभाला, पर कीर्ति ये नहीं कर पाएगी। हर बार कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको पहुंचेगी। इसीलिए आपकी मदद के लिए मैंने उसे रखा है। अगर कोई काम में मदद करने के लिए रहेगा तो आपके लिए भी तो आराम रहेगा ना। आप ये कहना चाहते हैं कि ये फैसला आपका था? मेरा मतलब, हाँ, फैसला मेरा ही, पक्का। जिस वरुण को हम जानते हैं ना, वो घर के फैसले अकेले नहीं करते थे। अब हमें भी कोई बता दो कि ये जो बकैत काम वाली है, उसकी मालकिन सिर्फ बहू रानी या फिर इस घर के सारे लोगों का वो काम भी करेगी? बुआ जी, वो पूरे घर की मदद के लिए, तो ऑफ कोर्स वो इस घर के सब लोगों का काम करेगी ना। मैं चाहता हूं कि अब आप सिर्फ आराम करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक महीने बाद उसे निकाल देंगे, पर एक मौका तो दीजिए पापा। वैसे वरुण कह तो सही रहा है, बहुत मेहनत कर ली आपने इस घर के लिए, अब थोड़ा आराम भी कर लीजिए। और बहू ने किसी के मदद के साथ ही सही, आपका काम तो बांट लिया ना। अब नई पीढ़ी के नए तौर तरीकों के साथ हमें भी तो थोड़ा बदलना होगा ना। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूं। हम भी सफर की धूल मिट्टी जरा उतार लें। भाभी, देखा आपने, बहू ने हमारे बेटे को पराया कर दिया है, पूरा का पूरा चोरू का गुलाम बन चुका है। अभी तो काम वाली रखी है, पता नहीं आगे और कौन से काम तमाम करेगी। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। काम के लिए बोला था ना, और ये घर वाले कौन से जमाने में रह रहे हैं? आजकल की कौन सी बहू दिन भर घर के काम में उलझी रहती है? रसोई में बांधने के लिए ब्याह कराया था। तुझे कुछ भी समझाना ना कीर्ति, दीवार में सर मारने के बराबर है। ये सब छोड़, तू जा जाके रेडी हो जा। मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, भाई दूज के लिए घर बुला रही है, और वहां बबलू भी इंतजार कर रहा है हमारा। हमें पता है कि बबलू इंतजार कर रहा है, हम तैयारी होने जा रहे थे। और ये जो आपका भाषण है ना, प्लीज किसी और को जाके सुनाइए, हम रेडी होके आपको कॉल कर लेंगे। भगवान, आरती, हर बार हम तुमको याद दिलाते हैं और तुम हर बार भूल जाती हो। अरे नारियल, रोली, मिठाई, सब कुछ रखना होता है थाली में। तुम जितनी बड़ी हो रही हो ना, उतनी भुलक्कड़ भी होती जा रही हो। हाँ सॉरी मम्मी, मैं बस अभी लेकर आई। आ जाओ, जल्दी लाओ। अरे अभय कहाँ है? इन सब चीजों का ना एक मुहूर्त होता है, तुम्हें मालूम है ना, नैना भाभी कोई लेट हो तो कितना गुस्सा हो जाती है। अरे तो हमसे काहे बोल रहे हैं, कौन सा वो हमको बोल के जाता है, ऐसे भी पता नहीं कब से फरार है वो। अरे श्रद्धा तुम आ गई, नीचे का माहौल कुछ संभला कि नहीं? जी। तुम्हारी बहन ना ललिता पवार ही ले आई है घर में। खैर उनका घर उनका ड्रामा, वो जाने।
अरे तुम देखो तो ये अभय है कहाँ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। और हाँ, तुम जल्दी से तैयार भी हो जाओ। जी। हाँ बोलो, क्या चाहिए अब? आप कहाँ हैं? घर में सब पूछ रहे हैं। कुछ दोस्तों से मिलने आया हूँ। वो दरअसल आरती आपका इंतजार कर रही थी भाई दूज का तिलक करने के लिए। मुझे पता है घर कब आना है, मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा सुनिए, वो मैं और कीर्ति भी घर जा रहे हैं बबलू का भाई दूज का तिलक करने के लिए। और अगर आप कहें तो मैं आरती के लिए भी कोई तोहफा ले आऊँ। हाँ क्यों नहीं, आरती का भी तो निकम्मा है ना, उसे कुछ दे नहीं सकता है वो। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। वो मेरी बहन है और उसको गिफ्ट देने की औकात रखता हूँ मैं, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाने का भी नहीं था। अरे यार श्रद्धा, मुझे तुम्हारी सफाइयाँ नहीं चाहिए। तुम अपने भाई का देख लो, मैं अपनी बहन का खुद देख लूंगा। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।